Hello students, welcome back again. In this video we will do the book exercise. We have completed our question answers summary also as well as the hot question reference to context. If you want to see that, please subscribe my channel and go through my video. You will get all the parts of the related this chapter and the other chapter of literature as well as grammar. So let's start today. Grammar work which is given in first chapter, A Gift of Chappal. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ये हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. अगर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में जाइए मेरी. पॉट क्वेश्चन भी कर चुके हैं. अब आइए नीचे ग्रामर पोर्शन पे जो आपका गिवन है यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स में. इन दिस दे आर टेलिंग अबाउट द टेंस. टेंस के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे. तो सो व्हाट डू मीन बाय द टेंस. द टेंस कैन बी इन द प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर. जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी क्लासेस में. प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर जो है टाइप्स हैं काइंड टेंस के काइंड टाइप्स हैं. फर्स्ट इज पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर. अगर हम बात करें सिंपल पास्ट की तो आपका यहाँ पे सिंपल पास्ट को हम समटाइम्स इनडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. ओके तो आई सैंग हियर मीन्स सब्जेक्ट प्लस वी टू फॉर्म आपकी अप्लाई होगी. प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो आई सिंग इट मीन्स सब्जेक्ट प्लस वी वन आपकी फॉर्म अप्लाई होगी. अगर हम फ्यूचर सिंपल की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वी वन अप्लाई होगा. करेक्ट. अब आ जाइए कंटिन्यूस में. कंटिन्यूस की बात करें पास्ट कंटिन्यूस की. कंटिन्यूस में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है हमेशा ऑलवेज वी वन प्लस आई एन जी लगता है आपका. क्लियर. तो हम क्या अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. इन पास्ट कंटिन्यूस वी हैव टू अप्लाई सब्जेक्ट प्लस वॉज वर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. इट्स डिपेंड अकॉर्डिंग टू द sentence either they are talking about the singular or plural. So you have to apply was या were. आपको was या were में से एक लगाना है. अगर आपका subject singular है तो helping verb भी singular होगा. अगर आपका subject plural है तो helping verb भी आपका plural होगा. clear. जैसे I was singing. I आपका subject है, was helping verb है और singing sing आपका V1 है और इसके साथ हमने ing add कर दिया. clear. अगर हम present continuous की बात करें तो subject plus is are am में से कोई भी apply करेंगे plus V1 plus ing. clear. फ्यूचर कंटिन्यूस में अगर हम लिखते हैं सेंटेंस को तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वी वन आई एन जी. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो उसमें हैज़ और हैव हैड में से हम इन तीनों में हैज़ हैव हैड ही यूज़ करते हैं परफेक्ट में. हैड आपका आता है पास्ट में. हैव और हैज़ ये हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में और फ्यूचर में. विल प्लस हैव प्लस वी थर्ड ऑलवेज इन परफेक्ट टेंस वी हैव टू अप्लाई हैज़ हैव हैड प्लस वी थर्ड. बट यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट had will come only in the past, not in present and not in future will come. correct. आपका had जो है वो सिर्फ past perfect में आता है. has have आपका जो है present में और will shall have जो है future में आता है. perfect continuous की बात करें तो I had been singing means आपका जो है सिर्फ been add हो जाएगा और v1 plus ing लगेगा. clear. I have been singing or I will have been singing. clear. now come to the exercise. read these sentences, underline the verbs and state their kind. tense. tenses आपको tenses भी बताने हैं यहाँ पे कि कौन सा kind use हो रहा है tense का. तो चलिए watched जो है आपका verb है और simple past tense से ही belong करता है. second में आपका write आएगा जो कि simple present tense show कर रहा है.
क्लियर। थर्ड में आपका कैप्ट जो है वर्ब शो कर रहा है और इट बिलोंग्स टू द सिंपल पास्ट टेंस। एंड लास्ट शेल हैव बीन वॉकिंग, जैसे मैंने कहा था फ्यूचर में आपका विल शेल आता है और हैव आता है आपका परफेक्ट में और बीन और वी वन प्लस आई एन जी आता है कंटिन्यूस में, तो इट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है आपका हैड बीन स्लीपिंग, आपका वर्ब है एंड शोइंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कम टू द एक्सरसाइज बी, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट टेंस आपको अप्लाई करना है। वर्ब की फॉर्म गिवन है ब्रैकेट में, स्पॉट का स्पॉटेड आएगा, क्लेम का क्लेम्ड आएगा, आई का आईड एंड गो का पास्ट की बात करेंगे तो वेंट आएगा, बिकॉज समटाइम्स हम जो है बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स में अपने आप बात करते हैं तो, लेकिन उसमें गिवन होता है कि यू हैव टू कन्वर्ट इन दिस टेंस, कि आपको इसमें कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है तो सभी चीज़ जो है हम यहाँ पे वी टू अप्लाई करेंगे फॉर्म। ठीक है, तो गो का वेंट आउट आएगा एंड अप्रोच का अप्रोच्ड, टेक का टुक, वेकेट का वेकेटेड एंड ओपन का ओपन्ड, फ्लाई का फ्लू एंड लॉज का लॉजेड। सो होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस एक्सरसाइज ग्रामर पार्ट ऑफ योर बुक। इसके बाद आपका एक वर्ड वाइज भी दिया हुआ है, चलिए वो भी करते हैं। लास्ट में वर्ड वाइज रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, फिल इन द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपको करेक्ट वर्ड सेंटेंस के अकॉर्डिंग चूज करना है। डिस्क्रीट इन फर्स्ट एंड जीन्स, जी ई एन ई एस, जीन्स विल कम इन सेकेंड, एफेक्ट ए डबल एफ ई सी टी, और क्रीक सी आर डबल ई के, क्रीक विल कम इन फोर्थ, एंड रिंग डब्ल्यू आर आई एन जी रिंग। एंड आफ्टर दिस बी पार्ट इज गिवन, इरेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब्स हु सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स आर फॉर्म्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, सो यू हैव टू रीड द फॉलोइंग टेबल्स एंड कंप्लीट इट, वन इज डन फॉर यू, बट बिफोर दिस यू शुड नो द सिंपल पास्ट एंड पास्ट participle of that word. So first is given and second give. Give है तो give का second form gave और third form given आएगा. Grow का grew और grown. अगर second form blue है तो first form blue की blow और third form blown आएगी. और B का second form was और third जो है been लगेगा. Arise का arose, arisen. So these here all we have to complete in our book. ठीक है, hope you understood all these exercise. अगर please समझ में आए तो like और share और subscribe जरूर कीजिए, क्योंकि इतना efforts करके आप लोगों के लिए video बनाते हैं. So bye bye to all, thank you for watching this.